जब बात हो क्लासिक लुक की तो यही बाइक आपको देखने में रियल क्लासिक लगती है और ये बाइक है रॉयल इनफील्ड की नई क्लासिक 350 और ये आपकी डिमांडेबल वीडियो है क्योंकि इस बाइक के लिए आप लोगों ने डिमांड की तो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको खड़ी कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं आपकी नई क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक एडिशन को। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि भाई ये रियल क्लासिक लगती है क्योंकि भाई इसमें जो माचो लुक आता है जैसे कि ये फुली ब्लैक आती है और वो भी मैट ब्लैक आता है। इधर से इंजन अगर दिखाओ भाई ज़रा, अब यहाँ पर आप देखेंगे इंजन भी इसका मैट ब्लैक है। पेट्रोल टैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये ब्लैक पेट्रोल टैंक पर आपको ये रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ मिलेगा 3D से, टैंक पैड भी इसमें मिल रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये मैट ब्लैक कलर इसमें आपको मिल जाता है और उस पर अगर आप देखेंगे तो ये रेड कलर के आपको स्टिकर इसमें मिल जाते हैं जो कि थोड़े से उभरे हुए हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जैसे यहाँ पर ये जैसे ये पूरा शाइनिंग रेड नहीं है, ये भी मैट रेड है, तो यहाँ पर मैट ब्लैक और यहाँ पर मैट रेड जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और सिंपल सा आपको स्टिकर दिया गया है। और आप देखेंगे इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है और ज़रा भाई राहुल इसकी स्विच ऑन करो और हजार्ड लाइट भी ऑन कर दो और आप ये पीछे का लुक देख रहे हैं, अब बंद कर दो भाई। यहाँ पर आप देखेंगे ये है इसका टायर का डिज़ाइन, साइलेंसर, बैक लाइट, यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको बैक रेस्ट मिल जाता है जिस पर आपको आर की ब्रांडिंग मिलती है, मतलब रॉयल इनफील्ड की। और ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रीमियम बनाई गई क्योंकि इनकी क्लासिक सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। और अब आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं अपनी बाइक क्लासिक 350 को और यहाँ पर मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। जैसे पूरा ऑल ब्लैक, पूरी ब्लैक थीम है, यहाँ तक कि मतलब मैं आपको साइलेंसर दिखा दूँ, ये भी ब्लैक दिया गया है। तो जैसे जो लोग मैंने आपको दिखाया था कि कुछ लोग क्रोम पसंद करते हैं, कुछ लोग पूरा ब्लैक पसंद करते हैं, तो जैसे जो फेयर द ब्लैक मतलब जो लोग ब्लैक पसंद करते हैं उनके लिए ये है। और यहाँ पर कहीं कहीं पर जैसे आपको स्प्रिंग ये सिल्वर में मिल जाएगी। तो देखने में अगर लुक की बात करें तो भाई लुक तो इसका लगता है रियल क्लासिक की तरह। अब आते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन की तरफ और यहाँ पर आपको ये क्रोम के जो पार्ट लगाए गए हैं तो ब्लैक में क्रोम काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ब्लैक इंडिकेटर आपको मिल रहे हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल मिल रहे हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ये, मतलब इस भरोसे ना रहें कि टूटेंगे नहीं, हल्के फ्लेक्सिबल हैं। स्विच ऑन करते ही इसमें आपको दो पायलट हेडलैम्प ऑन मिल जाएंगे, आप चाहें तो हजार्ड लाइट की ऑन करके आप देख सकते हैं कि ये बाइक कैसी लग रही है। और मैं ज़रा इसको बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं और आप यहाँ पर देखेंगे इसके हेडलाइट में भी आर की ब्रांडिंग की गई है, रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग की गई है, बहुत बड़ा ब्रांड है तो आप जानते ही हैं। रेंडर की इसमें भी आपको हेडलाइट मिल जाती है और भाई मडगार्ड, पूरा लोहा लाट जैसे कहा जाता है इस बाइक को, तो लोहा लाट ही इसको बनाया गया है और ये मेटल का आपको मिलता है, वो भी मैट ब्लैक में, यहाँ पर भी मैट ब्लैक, यहाँ पर आपको क्रोम के पार्ट मिलते हैं, मीटर पर आपको क्रोम के पार्ट मिलते हैं, यहाँ पर क्रोम और यहाँ पर क्रोम आपको मिल जाता है। अब इसमें आपको एलॉय व्हील भी मिलता है और यहाँ पर जैसे जो चीज़ आप देख रहे हैं जैसे ये लेग गार्ड आप देख रहे हैं, इंजन गार्ड क्रोम में है, यहाँ पर आर की ब्रांडिंग है, ये चीज़ एसेसरीज के पार्ट हैं। ये एसेसरीज आप अपने हिसाब से लगवाएं, चाहे यहाँ लगवाएं या फिर बाहर लगवाएं, वो तो आपके पसंद की बात है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ क्लासिक 350 इसमें लिखा हुआ है, रेड कलर का स्टिकर है क्लासिक, आप देखिए किस तरीके से इसका फॉन्ट उपयोग किया गया है, वो सारी चीज़ें काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग की गई, यहाँ तक कि जो जिससे रबड़ जो रबड़ है उस पर भी रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग की गई है, तो कंपनी मतलब इन सारी चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान दे रही हैं। यहाँ पर आप रॉयल इनफील्ड को देख सकते हैं कितना इसमें ये 3D में दिया गया है। बाकी ये है इनका ढक्कन, इसको कर देते हैं, ये है इनका टैंक और ये है आपके क्लासिक 350 की चाबी जो आपको मिलेगी। तो अगर हम इसके मीटर से शुरुआत करें सबसे पहले, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें ब्लैक आपको इसमें फीएम के मिरर मिल जाते हैं, ये आपको हाई बीम लो बीम और पास की बटन मिलती है, यहाँ पर आपको आई बटन है ये सेलेक्ट करने के लिए मीटर में है, यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर हॉर्न और यहाँ पर आपको ये स्टार्ट करने की और कट ऑफ स्विच है, यहाँ पर आपको ये हजार्ड लाइट की बटन मिल जाती है। अरे और अब मैं इसको ऑन कर दूँ, इको ट्रिप सारी चीज़ें हैं, ट्रिप एफ, अब यहाँ से मैं इसको दबा के सेलेक्ट करूँगा ट्रिप एफ और ये आपको टाइम भी बता रही है और यहाँ पर ओडोमीटर, मान लीजिए आपको ट्रिप मीटर को जीरो करना है तो आपको यहाँ पर आपको इसको दबा के रखना होगा और ये मीटर ट्रिप मीटर आपका जीरो हो जाएगा, तो ये सुविधा इसमें आपको मिल जाती है। बाकी जैसे अगर आप नेविगेशन यहाँ पर लगवाना चाहेंगे तो 5500 रुपये का आपका खर्चा आएगा और आपकी बाइक में नेविगेशन सिस्टम भी लग जाएगा। बाकी इसमें आपको ओडोमीटर मिलता है, ये सुई जब चढ़ती है 80-100 तो एक मज़ा आता है। अब मैं सबसे पहले
सोच रहा हूँ कि आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुना दूँ। जरा भाई जाओ स्टार्ट करो। वाह राहुल, आज तो पहली बार में स्टार्ट कर दिए। इंजन का साउंड, रुक जाओ एक थोड़ा एक्सेलरेट करो, शीशा देखें हिल रहा है कि नहीं। नहीं हिल रहा है, मतलब वाइब्रेशन नहीं। तो अब एक बार स्टार्ट करो, तुमसे एक बार से हो, एक बार में हो जाए तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। हाँ वाह भाई, हाँ और बस बस रुक जाओ हेडलाइट दिखा दूँ। ये है फ्रंट हेडलाइट, बस बंद कर दो भाई। तो ये है भाई इसका साउंड, बंद कर दो अब, इतना धकधकाओगे। और एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, इसके फुटरेस्ट पर भी रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग बाकायदा की गई, बाकायदा। यहाँ पर आप देखेंगे रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग की गई है, इंजन पर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग की गई है। जब से BS6 हुई है तब से किक हटा दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसमें 300 mm की बड़ी सी डिस्क ब्रेक मिलती है, जिससे आपको ब्रेकिंग अच्छी मिल सके। और ये ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। और टायर साइज़ मैं आपको दिखा दूँ, 190/19 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। ये देख लें यहाँ पर ट्यूबलेस, थोड़ा सा घुमा हुआ दो राहुल, बस यहाँ पर आपको 190/19 का ट्यूबलेस, यहाँ पर ट्यूबलेस लिखा है, तो ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और ड्यूल चैनल ABS इस बाइक में आपको मिलता है। आगे 300 mm की डिस्क ब्रेक, और पीछे आप देख लें 270 mm की बड़ी सी डिस्क ब्रेक मिलती है। तो मतलब आपको जैसे ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा दिखा दो घुमा घुमा के टायर वा, उधर से दिखाओ, उधर से नहीं इधर से दिखेगा नहीं, यहाँ इधर सही है, सही है, थोड़ा नीचे करो। 120/80/18 का ट्यूबलेस टायर इस बाइक में आपको मिल जाता है। एलॉय व्हील का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत से लोग इसको मॉडिफिकेशन करवाते हैं। सारी गार्ड इसमें लगा हुआ है, और इसमें स्विंगार सस्पेंशन है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एडजस्टिंग के लिए दिया हुआ है। बाकी आप एलॉय व्हील ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करें तो मीटियोर वाला इंजन इसमें भी आ गया है, इसलिए वाइब्रेशन कम हो गई है। 349 cc का एयर कूल्ड इंजन इसमें आपको मिल जाता है, जिसमें आपको 20.2 HP की पावर मिल जाती है। 6100 RPM पर 27 Nm की टॉर्क मिलती है 4000 RPM पर। और इसका बोर है 72 mm, स्ट्रोक है 85.8 mm। 5 गियर इस बाइक में आपको मिलते हैं, गियर पैडल का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और जैसे भाई मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। राहुल जरा जाके बैठ के दिखाओ, तुमसे उतरेगी गाड़ी। हाँ तो भाई राहुल भाई बैठ गए हैं। 805 mm इस बाइक की सीट हाइट है। पैर वैर पहुँच रहे हैं, नहीं छुपाया मत करो। हाँ तो ये तो पैर पहुँच रहे हैं भाई के अपने। और 805 mm सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। और 1390 mm इस बाइक का व्हील बेस है। 13 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया। और 195 kg की बाइक है। वजन तो लगी रही होगी, झूठ मत बोलना है। तो ये है बाइक आपकी क्लासिक 350। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो मैंने लिख रखी है प्राइस, देखिए मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन एसेसरीज के पैसे मैंने नहीं जोड़े हैं। 250,712 rupees ऑन रोड प्राइस है। ये चावला राइडर्स अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये बाइक उपलब्ध है, और ये इलाहाबाद रोड पर शोरूम है, यहाँ पर आप आके खरीद सकते हैं। रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। माइलेज की बात करें तो लगभग 40 के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि इसकी माइलेज जानी पहचानी है, बहुत पहले से आ रही है, तो आप इसके माइलेज के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। राहुल जरा पकड़ो, हम भी चले जाएं। हाँ तो माइलेज मैंने आपको बता दी, और प्राइस जो मैंने आपको बताई है वो विदाउट एसेसरीज है। मतलब आप शोरूम पर आकर अपने मनपसंद की एसेसरीज लगवा सकते हैं, क्योंकि एसेसरीज बहुत सारी इसमें आती हैं जिनको आप लगवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, तो उसके पैसे अलग हैं बाकी। लेकिन जैसे RTO इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों की मैंने आपको पूरी प्राइस बता दी, माइलेज भी बताई, और मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए। अब आप पूछेंगे भाई नया क्या है, तो अभी नया कुछ आया नहीं है दोस्तों। क्लासिक ऐसे ही सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब तो हंटर भी आ गई है, लोग हंटर को भी देख रहे हैं। तो जैसे जिन लोगों को क्लासिक पसंद है वो लोग क्लासिक को पसंद करेंगे। आपको ये बाइक कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारा फेसबुक पे पेज भी है, आप वहाँ पर भी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर भी वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे पेज को भी फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।